जब रथ लेकर हरियाणा के कोने कोने में पहुंच, हरियाणा में अब चाहे चुनाव के समय में मतदाताओं से संपर्क साधने की बात हो या फिर चुनाव से हटकर पार्टी का प्रचार करने का अभियान हो, प्रदेश के नेताओं में रथ का चलन आम बात हो गई है और प्रदेश के अधिकांश नेता पिछले कई वर्षों से रथ यात्रा के जरिए ही अपने विशेष अभियान के तहत मतदाताओं तक पहुंचने को प्राथमिकता देते रहे हैं। गौरतलब है कि 1985 में चौधरी देवीलाल ने तत्कालीन भजनलाल सरकार के खिलाफ हिसार से न्याय युद्ध आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने 1986 में जींद में समस्त हरियाणा रैली करके सरकार के खिलाफ न्याय युद्ध का शंखनाद किया था। बस यहीं से चौधरी देवीलाल का बसनुमा रथ को लेकर प्रदेश में निकले थे और इस रथ को न्याय रथ का नाम दे दिया गया था। चौधरी देवीलाल द्वारा करीब 33 वर्ष पूर्व न्याय युद्ध दौरान इस्तेमाल किया गया था। रथ उस समय प्रदेश के लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया था। लाव देवीलाल उस समय बड़ी सभाओं में तो मंच पर जाकर लोगों को संबोधित करते हुए नजर आते थे, जबकि छोटी सभाओं को वो इस रथ से ही संबोधित करते थे। रथ में लगी विशेष लिफ्ट के जरिए वे रथ की छत पर आकर मूड़े पर बैठकर लोगों से रूबरू होते थे। चौधरी देवीलाल द्वारा 37 वर्ष पहले शुरू किया गया खास प्रचार रथ आज प्रदेश के राजनेताओं के लिए आम बनकर रह गया। चौधरी देवीलाल के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भूमिंदर सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई व अभय सिंह चौटाला सरीखे नेता प्रचार के लिए रथ का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके अलावा भाजपा ने भी 2008 में प्रदेश में 3 रथ यात्राएं निकाली थी। राजनेताओं के इस रथ में एक घर की तरह तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं। चौधरी देवीलाल द्वारा न्याय युद्ध के दौरान जिस रथ का इस्तेमाल किया गया था उसमें उस समय में भी तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया थी। उस रथ में एक बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा व टॉयलेट आदि की सुविधा थी और रथ के बीच में एक लिफ्ट थी जो रथ की छत पर जाकर खुलती थी। इसी रथ में उनका खाना पीना होता था और इसी रथ में वे कपड़े इत्यादि बदलते थे और इसी में कुछ समय के लिए आराम भी कर लिया करते थे। एक तरह से वे रथ के जरिए लंबे समय तक चले आंदोलन में लोगों के बीच ही रहे। 1987 में हरियाणा में प्रचंड बहुमत हासिल करके मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने जब राष्ट्रीय स्तर पर समूचे विपक्ष को कांग्रेस के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम शुरू की थी तो उस वक्त भी चौधरी देवीलाल ने विभिन्न मौकों पर अपने इस रथ का इस्तेमाल किया था। समय चौधरी देवीलाल द्वारा विपक्षी एकता प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली के वोट क्लब में की गई रैली में जुड़ी भीड़ आज भी लोगों के जहन में है।